पल्लवीर जी से बात कर लेती हूँ। पूछती हूँ कहाँ रह गए वो। हाय रब्बा, ये पल्लवीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं इन्हें पुलिस ने अरेस्ट तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं नहीं, बट पुलिस इन्हें अरेस्ट क्यों करेगी? ये कोई चोर थोड़ी है, ये तो वकील है। नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि होटल में ये मेरे साथ थे। हाय रब्बा, जो चार्जेस मुझ पे लगे हैं वो इन पे भी तो लग सकते हैं। और वो मधुलिका, वो तो यही चाहेगी ना कि मेरे हाथ से ये भी वकील निकल जाए। और अगर मेरे पास वकील ही नहीं रहेगा तो राशिद के लिए केस कौन लड़ेगा अगर ऐसा हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा जी, सब कुछ आपके भरोसे है, प्लीज प्लीज सब संभाल लेना प्लीज। रे गाड़ी चालू कर, इसको भी उड़ाने का है। वीर जी, थोड़ा साइड करके तेजी से निकाल लो ना। परी ने फोन लगा के पूछ कितने पहुंची है। ताई जी, अब परेशान मत होइए, परी आ जाएगी। उसे पता है कि कोर्ट का टाइम हो गया है और वैसे भी ताई जी अभी 10 मिनट बचे हैं कोर्ट शुरू होने में, वो आ जाएगी। ठीक है भाई, इसका तो काम तमाम हो गया। हाँ लगता तो है। चलो मैडम को बोल देता हूँ। मैं अभी आती हूँ। हेलो मैडम, आपका काम हो गया जैसे आपने बोला था। उसे ऑटो के साथ उड़ा दिया, अब वो किसी भी हालत में कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। गुड, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मैडम, कोई नहीं था, रोड पूरा खाली था, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू। चलो फाइनली जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। वाला डली, तुम सब वेट ही करते रहो अपनी परी का। ये खुद न्यूज में अपनी फ्रेंड को देती। कुछ ज्यादा ही खुशी दिखाई दे रही है इस मधु के चेहरे पे, कहीं इसने परी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मुझे इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो सिटी हॉस्पिटल, मैं सेक्टर 71 से बोल रही हूँ, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। अबे लड़की, इतने बड़े एक्सीडेंट में कैसे बच गई? अगर एक कोर्ट पहुंच गई ना, मैं चाचा बड़ा लेंगे, पकड़ उसे।
प्लीज सिट डाउन। कल कोर्ट का टाइम समाप्त होने के कारण संजू बाजवा को फैसला सुनाया नहीं गया, वो फैसला आज होगा। जैसे कि कोर्ट में संजू बाजवा गिल्टी प्रूव हो गए हैं, तो अब वक्त है अपराधी को सजा सुनाने का। परी भी नहीं आई, वो वकील भी नहीं आया। परी ने तो कहा था कि वो सबूत लेकर पहुंची रही है, कितने वो जो सोचा है सोचते रहो, परी नहीं आएगी। वो आने लायक होगी तो आएगी ना। तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। एक मिनट जज साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पानी पी सकती हूँ? प्लीज। योनो, हमारे जो वकील हैं वो किसी वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसलिए अपने हस्बैंड की तरफ से ये केस मैं लड़ना चाहती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी परमिशन हो तो। आप कैसे लड़ेंगे? आपको कुछ आता भी है? योना, मैंने LLB की हुई है, कानून पढ़ा है और कानून जानती भी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस केस को लेकर फैसला सुनाने वाली है, लेकिन कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। माय लेडी, इस केस में कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। ये परी जी यानी कि मिसेस बाजवा इधर उधर की बातें करके अदालत का समय बर्बाद कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अदालत आगे की कार्यवाही करे और फैसला सुनाए। क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, अदालत करेगी। अगर आपने कोर्ट की कार्यवाही में दखल देने की फिर से अगर कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के ऑर्डर्स दे दूंगी। परी यहाँ तक पहुंची कैसे? भगवान जी आपका लख लख शुक्र है, परी कोर्ट में वक्त पर पहुंच गई, वरना मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। आपको जो भी संजू बाजवा के पक्ष में कहना है आप प्लीज प्रोसीड करें। बट माय लेडी, इस केस में कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। ये बात साफ हो चुकी है कि मिस्टर संजू बाजवा ने मेरी क्लाइंट की इज्जत पे हाथ डाला और ये पूरी तरह से नशे में धुत है। नशे में धुत थे नहीं, नशे में धुत किए गए थे। Yes, Your Honor. इस पार्टी में मिस्टर संजू बाजवा एकदम नॉर्मल थे, सोबर जिसे कहा जाता है, और उसके बाद मधुलिका ने जो भी किया वो सिर्फ एक औरत को ही नहीं बल्कि एक सभ्य समाज में किसी भी इंसान को करना शोभा नहीं देता है। Yes, Your Honor. संजू बाजवा ने मधुलिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मधुलिका ने मेरे हस्बैंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। माय लेडी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत जैसी बात हो गई है। जो भी कुछ किया आपके पति ने किया और आपने एक ही झटके में कह दिया कि आपके पति ने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया वो मधुलिका जी ने किया। संजू बाजवा, परी जी यानी आपकी धर्म पत्नी कह रही है, क्या यह सच है? जी बिल्कुल सच है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मधुलिका जी आपके साथ जबरदस्ती कर रही थी, आपने उन्हें पुष्ट नहीं किया, चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देखते रहे। करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मजबूर था, क्योंकि मधुलिका ने मुझे नशे की दवाई दी थी। यस योर ऑनर, मैंने पार्टी में ड्रिंक्स ली थी, एक दो ड्रिंक ली थी, बट मैं पूरे होश में था। लेकिन उसके बाद मधुलिका ने मुझे पानी पिलाया जिसके अंदर नशे की दवाई थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। याद रहेगा भी कैसे मिस्टर बाजवा,
आप नशे में पूरी तरह से अपने होशो हवास खो बैठे थे। और अक्सर मर्द अपने कमरे का सीक्रेट अपने कमरे तक ही रखना चाहता है, खास तौर पे जब वो शादीशुदा हो और एक शादीशुदा महिला के साथ जबरदस्ती करना चाहता हो। आपने क्या सोचा, मधुलिका जी शादीशुदा है तो अपनी शादी और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखेगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैं मधुलिका आलूवालिया को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। तो मधुलिका जी, आपने अपने बयान में ये कहा ना कि संजू आपको खींच कर कमरे के अंदर ले गया, करेक्ट? जी हाँ। लेकिन फिर भी आप नहीं चिल्लाई। किसने कहा मैंने नहीं चिल्लाया? मैं चिल्लाई थी। कब और कहाँ? और किसी ने आपकी चीखने की आवाज क्यों नहीं सुनी, जबकि इनके पार्टी में इतने सारे लोग थे, इनके अपने होटल के स्टाफ भी थे, फिर भी आपकी चीखने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? जब संजू मुझे रूम के अंदर लेके गया था उसके बाद मैंने चिल्लाया। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर, ये रूम के अंदर जाके चिल्लाई थी। वैसे मधुलिका जी, मुझे ना एक बात नहीं समझ आई, जब एक आदमी आपके साथ जोर जबरदस्ती करके आपको खींच के रूम के अंदर ले जाता है तो फिर आप बाहर क्यों नहीं चिल्लाए? रूम के अंदर जाके रूम का दरवाजा बंद होने का क्यों वेट कर रही थी आप? योर ऑनर, मैं सच कह रही हूँ, संजू ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। टेंशन मत लीजिए मधुलिका जी, इस कोर्ट में वही लोग आते हैं जिनके साथ गलत हुआ हो, और इस फैसले को जज के हाथों में छोड़ देते हैं ना कि आपके साथ गलत हुआ है या फिर आपने गलत किया है। गलत हुआ है माय लेडी, मेरी क्लाइंट के साथ गलत हुआ है। परी जी बेकार की बातें करके मेरी क्लाइंट को नर्वस कर रही हैं। आप तो मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। योर ऑनर, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता हर आदमी बेकसूर है, और ये मेरे क्लाइंट को बार बार क्रिमिनल बोल के उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ये हो क्या रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ नीति, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम तो संजू के लिए कंसर्न थी ना, और अब तो तुम्हारी बहन इतने अच्छे से डिफेंड कर रही है तुम्हारी चीजों को, यू शुड बी हैप्पी ना। अच्छा सुनो ना, तुम भी एलएलबी कर लो ना, क्या पता शादी के बाद मुझ पे भी कोई ऐसा केस हो गया तो फिर तुम भी मुझे परी की तरह डिफेंड करना सबके सामने। आफ्टर ऑल जैसे परी संजू को प्यार करती है वैसे तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। क्या हुआ, नहीं करती प्यार मुझसे? शैली, ये वक्त है ये सब बातें करने का, हम कोर्ट में किसी वजह से आए हैं, प्लीज फोकस। माय लेडी, ये परी जी जो कुछ भी कह रही है ये मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें हैं, ये साफ हो चुका है। मेरी क्लाइंट मधुलिका आलूवालिया के शरीर पर नाखून के निशान है, ये नाखून के निशान देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि संजू बाजवा इंसान के भेष में भेड़िया है। थैंक यू वकील साहब, मैं अपना अगला पॉइंट यही रखने वाली थी कोर्ट में। योर ऑनर, जब मेरे क्लाइंट मधुलिका के इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे तब मधुलिका ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? तो बताइए मधुलिका जी, आपने संजू को रोकने के लिए कुछ तो किया होगा, है ना? मैंने संजू को रोकने की बहुत कोशिश की। तो मैं कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि संजू के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। और चोट तो छोड़िए,
एक खरोच का निशान तक नहीं है। अगर आपने संजू से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो फिर इनके शरीर पे कोई चोट, कोई निशान, कोई स्क्रैचेस क्यों नहीं है? उल्टा आपके शरीर पर है। पता है क्यों? क्योंकि संजू ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने संजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, या फिर संजू को फंसाने के लिए आपने खुद ही अपने बॉडी पर स्क्रैचेस मारे। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे घटिया इल्जाम लगाने की? तुम अपनी बकवास बंद करो वरना। बकवास तो आप कर रहे हो मिस्टर रुशद अहलूवालिया, और थोड़ी देर पहले तक तो आप आगे बढ़ बढ़ कर मेरे हस्बैंड पर झूठे इल्जाम लगा रहे थे। अब पता चला इल्जाम लगाना होता क्या है, और आपके इल्जाम तो फिर भी झूठे थे। मैं तो वही बता रही हूँ जो सच में हुआ है। तुम्हारा पति तो गिरा हुआ एक नंबर का घटिया इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी पर। क्यों ना, ये आदमी मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस केस के बाद इस आदमी पर भी अलग से कार्रवाई की जाए। रुशद जी चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। प्लीज बैठिए, प्लीज। रब के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस अब परी कैसे भी संजू को बेगुनाह साबित करते और यहां से बाइज्जत परी करवाते, और कुछ नहीं चाहता मैंने। माय लेडी, कोर्ट अपना फैसला लिख चुका है, अब बस मुजरिम को उनके गुनाहों की सजा सुनानी बाकी है। डिफेंस के लॉयर मुजरिम की धर्मपत्नी भी है, और वो जानती हैं कि अदालत उनके पति को जेल भेजने वाली है, इसलिए वो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। दैट्स व्हाई बेकार की बातें करके अदालत का समय बर्बाद करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रही है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से दरखास्त है कि डिफेंस की लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, और अदालत अगर को चाहिए। आपने एक और बार भी कोशिश की ना कोर्ट को ये बताने की क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आपको कोर्ट रूम के बाहर निकाल दूंगी। आई एम सॉरी माय लेडी। मिस परी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अब मैं रुशद अहलूवालिया को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ, परमिशन दीजिए। ये परी पागल है क्या? What rubbish? परी क्यों बुला रही है रुशद को कन्फेशन बॉक्स में? कहीं कुछ? Oh my God. Permission granted. तो मिस्टर रुशद अहलूवालिया, हमने ये सुना है कि आप इस शहर के काफी जाने माने बिजनेसमैन हैं। जी। हमने ये भी सुना है कि आपने बहुत मेहनत की और अपने मेहनत के दम पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, आलिशान घर, लग्जरी कार्स, और ना जाने दुनिया भर के कितने ऐशो आराम आपने अपनी मेहनत से खरीदे हैं, करेक्ट? सही है। बहुत अच्छी बात है। तो अब कोर्ट आपसे ये जानना चाहती है कि आप अपनी वाइफ यानी मधुलिका अहलूवालिया को पहली बार कब मिले थे? मैं पहली बार कब मिला था, ये कैसा सवाल है? जी बताइए। माय लेडी, रुशद जी की शादी का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? तो बताइए मिस्टर रुशद, आप अपनी वाइफ को पहली बार कब और कहां मिले थे? मधुलिका मेरी सेक्रेटरी थी और फिर हमने शादी कर ली। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मधुलिका आपकी सेक्रेटरी थी और फिर आपने उससे शादी कर ली। मेरा मतलब आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, और मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे पूरा भरोसा है आपके पास काफी बड़े घरों से रिश्ते आए होंगे। आए थे। लेकिन फिर भी आपने मधुलिका से शादी क्यों की? क्योंकि मैं मधुलिका से प्यार करता हूँ, और मेरे लिए प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सच में यही हुआ था? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, शायद आप कुछ भूल रहे हैं, या फिर आप कोर्ट को बताना नहीं चाहते। योना, मैं कोर्ट को यह बताना चाहूंगी कि मधुलिका रुशद की सेक्रेटरी थी, और एक दिन मधुलिका ने रुशद के साथ भी वही किया जो इन्होंने मेरे क्लाइंट यानी मेरे पति संजू बाजवा के साथ किया।
जबरदस्ती कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश की जो यहां मैं बता भी नहीं सकती। और इन सब के आधार पर मधुलिका ने रुशद को इमोशनली अपने काबू में किया, अगर कानून की भाषा में कहा जाए तो इमोशनली ब्लैकमेल किया। और मिस्टर रुशद, ये काफी बड़े घर से हैं, सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश में, पूरे शहर में इनका काफी बड़ा नाम है। और फिर इनको किसी ना किसी लड़की से शादी तो करनी ही थी, तो मिस्टर रुशद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मधुलिका से शादी कर ली।